गाइस वेलकम बैक टू सोनी ब्यूटी लाइफ स्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं जिस वीडियो में जो आपको बताने वाली हूँ वो थोड़ी सी हटकर का है, थोड़ा पिछले वीडियो से थोड़ी सी अलग है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जो भी वीडियो बताए हैं, जो भी वीडियो अपलोड किए हैं, वो आपके फेस से रिलेटेड है। आपको फेस को सुंदर बनाने के लिए, ग्लो बनाने के लिए, आपके फेस पे चमक लाने के लिए, ये सबसे रिलेटेड है। बट आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो आपको बॉडी से रिलेटेड है। आपको बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप इस रूटीन को अपने मॉर्निंग टाइम में फॉलो करेगा तो आपका शरीर जो है बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ एंड हेल्दी रहेगा। तो हम में से तो बहुत सारे लोग सुबह का जो मॉर्निंग स्टार्टिंग होता है वो चाय और कॉफ़ी से ही होता है। बट अगर आप चाय और कॉफ़ी की जगह आप मॉर्निंग ड्रिंक में लेमन वाटर ऐड करते हैं या फिर हल्दी पानी ऐड करते हैं तो आपका जो शरीर का जो रूटीन रहता है पूरे दिन के लिए बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहिएगा। और भाग दौड़ में आपको थोड़ी सी जो ये थकान महसूस होता है वो आपका जो शरीर है, बॉडी है, वो पूरा एनर्जी से भरपूर रहेगा। तो आज मैं आपको चार स्टेप बताने वाली हूँ मॉर्निंग ड्रिंक के। तो फर्स्ट है लेमन वाटर, और सेकेंड जो है फ्रेंड्स वो है हल्दी और पानी, हल्दी और पानी, और लास्ट में जो है लेमन वाटर और हनी। लेमन वाटर में हनी आपको ऐड करना है, और लास्ट में जो फ्रेंड्स वो हनी खाने का फ़ायदेमंद है। हनी सुबह में अगर मॉर्निंग टाइम में, या फिर आपके पास मॉर्निंग आपका इच्छा नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आपके पास जब भी टाइम है हनी खाने से हमारे शरीर में कितना ज़्यादा लाभदायक होता है, हमारे शरीर के लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो आज मैं इन सब के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दूंगी। इन सब के बारे में आपको हो सकता है कि जानकारी नॉलेज पहले से ही होगा, बट आपको दो चार स्टेप जो आज मैं बताने वाली हूँ वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें। अगर आप स्किप कर दें तो आपको ठीक से जानकारी नहीं मिलेगी। तो आप वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस ड्रिंक को, मॉर्निंग ड्रिंक को किस तरह से बनाया जाता है, और चारों स्टेप मैं अभी आपको बना करके दिखाऊंगी, और उसके बारे में जो भी रहेगा डिटेल्स मैं आपको जानकारी प्रदान करूँगी। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट में आपका था लेमन वाटर यानी कि नींबू पानी। तो ये गिलास जो आप देख रहे हैं इसमें जो पानी है, जो वाटर है, वो हल्का गुनगुना है। आपको ज़्यादा गर्म नहीं लेना है, थोड़ी सी नॉर्मल रखना है, जिस तरह से आप चाय पीते हैं, और ये लेमन है। इन दोनों को पीने से आपके बॉडी में जो फायदेमंद होगा वो दो चार स्टेप मैं आज आपको बता दे रही हूँ। ज़्यादा तो नहीं बता सकते क्योंकि चार स्टेप है, तो आपको दो तीन पॉइंट मैं आपको बता देते हैं। नींबू पानी पीने का नंबर वन फायदा, अगर आप रोज़ सुबह नींबू पानी पीते हैं तो आपकी त्वचा यानी कि आपके फेस पे जो निखार आएगी वो आपको नेचुरल निखार होगी, और आपके फेस पे जो दाग धब्बे रहेगा वो दाग धब्बे भी मुक्त होगा आपका फेस से। आपको सुबह मॉर्निंग में नींबू पानी पीने से आपके फेस पे एक नेचुरल सी निखार आएगी, और आपका फेस पे अगर दाग धब्बे है तो वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो अगर आपका फेस पे भी दाग धब्बे का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, तो आप, या फिर आपकी त्वचा सांवली हो, माफ़ करिएगा, ऐसा नहीं कि सांवली के मतलब कुछ अलग होता है, आपका त्वचा सांवली है तो आप सुबह मॉर्निंग में नींबू पानी पिए तो इससे आपका शरीर पे बहुत ही ज़्यादा, आपका फेस पे भी और आपका शरीर पे बहुत, शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। और ये इसमें जो होता है पीएच लेवल भी बहुत ही बराबर होता है नींबू पानी में। नंबर टू, अगर आप सुबह गुनगुने पानी नींबू पीते हैं तो आपका पाचन तंत्र यानी कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है वो मजबूत होता है। जी हाँ, अगर आपके दिन भर के खाया वो खाना ठीक से हजम नहीं होता, ठीक से नहीं पचता है, तो ऐसे में आप नींबू पानी सुबह गुनगुने पानी और नींबू ज़रूर पिए। नंबर थ्री, अगर आपको अपना या आप, मतलब आपका जो एसिडिटी प्रॉब्लम होता है, पाचन तंत्र जो होता है, अगर आपको एसिडिटी प्रॉब्लम है या प्रॉब्लम रहते हैं तो आप ऐसे में भी सुबह खाली पेट गुनगुने पानी और नींबू ज़रूर पिए। खासकर जिन लोगों के मुंह से बदबू आता है या फिर किसी को देखते हैं हम, मतलब श्वास से बदबू होता है, तो उन लोगों के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। सुबह में अगर मॉर्निंग टाइम में आप नींबू पानी पीते हैं तो आपका जो मुंह से बदबू का प्रॉब्लम रहता है वो दूर होता है, और आपके मतलब मुँह से भोजन एक अच्छी सी सुगंध आती है। और जिन लोगों को लीवर प्रॉब्लम या फिर जोड़ों में दर्द रहता है तो उन लोगों के लिए भी नींबू पानी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो आप लोग, आपके भी अगर ऐसे प्रॉब्लम है या किसी को भी ऐसे प्रॉब्लम है जिस, तो आप उन्हें भी ये बता सकते हैं कि आप सुबह में नींबू पानी पीने से क्या आपके लिए फायदे होता है। आपका तो
फेस पे निखार आएंगे ही। आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम रहता है, एसिडिटी प्रॉब्लम रहता है, लीवर प्रॉब्लम रहता है, आपका मुंह से आप मतलब कि मुंह से बदबू आना, श्वास से बदबू आना, तो ये सब प्रॉब्लम दूर होता है। तो आप सुबह नींबू पानी ज़रूर पिए फ्रेंड्स। इसके लिए आपको एक गिलास गुनगुना पानी लेना होगा, ये देखिए हल्का गुनगुना है। अब इसमें से एक नींबू लेंगे हम और नींबू को इस तरह से कट करके इसमें आधे नींबू आपको डाल लेना है, जो आधा लेमन का होता है ना, तो आधा लेमन का जूस हम इसमें ऐड करेंगे। आपको ज़्यादा मात्रा में भी नहीं लेना है, क्योंकि हर चीज़ का कोई लिमिट होता है फ्रेंड्स। तो आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है, आपको लिमिट में ही रखना है। तो देखिए इसमें हम आधे नींबू हम निचोड़ लेंगे और इसको बस जिस तरह से आप चाय पीते हैं उसी तरह से आपको पी लेनी है। जिस तरह से आप चाय पीते हैं तो उस तरह से आपको नॉर्मल चाय की तरह ही पीना है। अगर आप इस तरह से करिएगा तो आपको शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव है। आप फ्रेंड्स नंबर टू है हल्दी पानी। तो चलिए मैं आपको हल्दी पानी के बेनिफिट्स मतलब लाभदायक जो होता है हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक होता है ये आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स नंबर 2 पे था हमारा हल्दी पानी। तो देखिए गिलास में जो है ये एक गुनगुना पानी है और ये हल्दी है। तो अब इन दोनों को पीने का हम तरीका आपको बताएंगे और इसे पीने से आपका शरीर में जो भी फायदा होगा वो हमें कुछ पॉइंट आपको अभी बता देती हूँ, कुछ आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो हल्दी पानी पीने से हमारे बॉडी में हमारे शरीर में जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग का जो प्रॉब्लम होता है जिन्हें, उसे कम करने में ये हेल्प करता है। ये आपका नंबर 1 बेनिफिट्स हो गया हल्दी पानी का। अगर आप हल्दी पानी पीते हैं तो आपका हार्ट का भी, हल्दी पानी जो है आपका हार्ट को भी हेल्दी रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हार्ट का प्रॉब्लम है तो उन्हें अगर हल्दी पानी सुबह में पीते हैं मॉर्निंग में गुनगुने पानी में हल्दी ऐड करके, तो उनका हार्ट का जो प्रॉब्लम रहता है उसे कम करने में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्प करता है। नंबर 3 लीवर और किडनी का जो प्रॉब्लम रहता है जिनको, उसे भी कम करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। लीवर और किडनी का प्रॉब्लम जो रहता है उसे ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल में रखता है, ये बहुत ही फायदेमंद होता है फ्रेंड्स। हल्दी पानी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। अगर आप सुबह में पीते हैं तो आपके शरीर को बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ एंड हेल्दी रखता है। और नंबर फोर हल्दी पानी हमारे ब्रेन का, हमारे जो माइंड रहता है, तो हल्दी पानी हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी बहुत ही ज़्यादा बेहतर बनाता है। अगर आप गुनगुने पानी में हल्दी ऐड करके मॉर्निंग टाइम पीते हैं तो आपका जो ब्रेन फंक्शन होता है उसे बहुत ही ज़्यादा फास्ट काम करता है, आपका ब्रेन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो इन सब 2-4 पॉइंट हम आपको बता दिए हैं, पॉइंट तो बहुत सारे हैं फ्रेंड्स, बट जितना हो सके उतना हम बता दें क्योंकि ज़्यादा बताने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो जाएगी। तो देखिए ये आपका गुनगुना पानी है वो एक गिलास, इसमें आपको आधे चम्मच देखिए आपको ज़्यादा नहीं लेना है, तो इसमें हाफ बंट स्पून इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे। अब इसको आपको इस तरह से थोड़ी सी इसमें हिला लेना अच्छे से, जिसमें इसको जो हल्दी है वो अच्छे से ऐड हो जाए। अब आप इसको जिस तरह से आप चाय पीते हैं बस उसी तरह से आपको चाय की तरह फूंक फूंक के पी लेना है। थोड़ी सी कड़वा तो लगेगी फ्रेंड्स, बस आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा ये लाभदायक होता है। तो ये हो गया हमारा नंबर 2। और जो नंबर 3 है फ्रेंड्स वो है शहद खाने का फ़ायदा है। अगर आप सुबह में या फिर आपके पास जब भी टाइम हो तो आप दिन में कभी भी शहद खाते हैं 1 चम्मच, तो आपके शरीर के लिए कितना ज़्यादा लाभदायक है, तो उसका बारे में भी मैं आपको कुछ 2-4 पॉइंट्स बता दे रही हूँ। फ्रेंड्स नंबर 3 पे था आपका हनी यानी कि शहद, शहद खाने का फ़ायदा। अगर आप दिन में या मॉर्निंग में जब भी आपके पास टाइम है तो शहद खाते हैं तो उसका उसके बारे में मैं आपको 2-4 पॉइंट बता देती हूँ। अगर आप नहीं भी खाते हैं तो मेरा आपसे वादा है कि आप वीडियो देखने के बाद आज से ज़रूर खाना शुरू कर देंगे, अपना डेली रूटीन में हनी ऐड कर लेंगे, क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है। तो अगर आप हनी खाते हैं तो इसमें जो जो पाया जाता है उसके बारे में आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो शहद में फ्रूट ग्लूकोज, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे विटामिन इसमें पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी एंड खूबसूरत हेल्दी रखता है और हमारे खूबसूरती को भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है।
जो हनी अब हनी खाने से होता है कि हमारे खूबसूरती को भी बढ़ाता है, हमारे खूबसूरती के लिए भी लाभदायक होता है और हमारे हेल्थ के लिए तो होता ही होता है, बहुत ही ज़्यादा ये फायदेमंद होता है। शहद का इस्तेमाल हम लोग एक औषधि के रूप में भी करते हैं। नंबर टू, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप एक्सरसाइज करने से पहले एक चम्मच हनी खा लें, यानी कि एक चम्मच शहद खा लें, तो आपका जो थकान होता है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। आपका जो थकान होता है एक्सरसाइज करने में या एक्सरसाइज करने के बाद, तो आपको थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये आपको शरीर को जितना थकान होगा उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी प्रदान करेगी। नंबर थ्री, सोने से पहले अगर आपको नींद का प्रॉब्लम है या आपको नींद ठीक से नहीं आती है, तो आप सोने से पहले एक चम्मच रोजाना हनी अपने डाइट में ऐड करें। आप सोने से पहले एक चम्मच हनी खा लें तो आपका जो नींद है बहुत ही बेहतर होगा, आपका जो भी नींद प्रॉब्लम है वो दूर होगा और आपका बहुत ही बेहतर नींद आएगी। तो आप हल्दी अपने रेगुलर रूटीन में ज़रूर ऐड करें फ्रे। इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी बैक्टीरियल जैसे गुण भी पाए जाते हैं। ये हमारी इम्यूनिट सिस्टम को, हमारे जो इम्यूनिटी सिस्टम रहता है उसे भी ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है हमारे इम्यूनिट सिस्टम को। और जिन लोगों को फ्रेंड्स, नंबर पाँच में, जिन लोगों को ब्लड का होता है कि आजकल तो बहुत सारे लोगों को ब्लड का मतलब प्रॉब्लम रहता है, तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है तो उन्हें तो हनी खाना ही खाना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम रहता है उसे ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करता है। और हमारे स्किन को भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। आप लोग तो बहुत सारे फेस पैक में देखते हैं कि हनी ऐड होता है या डायरेक्ट भी अब फेस पे हनी ऐड किया जाता है, क्योंकि इसमें जो होता है वो नेचुरल मॉइस्चराइजर हमारे फेस को देता है, हमारे फेस पे एक नेचुरल सी ग्लो देती है। तो ये फेस के लिए और शरीर के लिए दोनों ही में मतलब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये नंबर थ्री पर था आपका हनी। तो अगर आपको लगे कि आपके लिए फ़ायदेमंद है, हेल्पफुल है, तो आप हनी आज से ही ऐड करें। लास्ट स्टेप है फ्रेंड्स, नींबू पानी और हनी। नींबू पानी हनी पीने से फायदे आपके शरीर में जो फायदे होता है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, लास्ट स्टेप आपका है नींबू पानी और हनी। अगर आप नींबू पानी हनी पीते हैं या नहीं पीते हैं तो इसके बारे में आप जानकारी ज़रूर ले लें। तो अगर आपको अच्छा लगेगा तो आज से ही आप अपने डाइट में, मॉर्निंग रूटीन में, या आपके पास जब भी टाइम हो तो स्टार्ट कर दें। तो इसका नंबर वन फायदा है फ्रेंड्स, वजन कम करना। आजकल तो लोग बहुत सारे लोग वजन से परेशान रहते हैं और कम करने के लिए कौन कौन सी उपाय नहीं करते हैं। तो अगर आप सुबह मॉर्निंग रूटीन में नींबू पानी हनी लेते हैं तो आपका वजन कम होता है। सेकेंड जो फ्रेंड्स, पेट साफ रखना। आपका ये पेट को भी बहुत ही ज़्यादा साफ रखता है। अगर आपको पेट का प्रॉब्लम है, ठीक से साफ नहीं होता, तो आप इसे अपना मॉर्निंग रूटीन में, मॉर्निंग ड्रिंक में जरूर लें, नींबू पानी जरूर पिए। शहद में जो होता है फ्रेंड्स, एंटी बैक्टीरियल रहता है और यह आपके शरीर में किसी भी तरह के संक्रमण को, जो आपके शरीर में किसी भी तरह के संक्रमण रहता है उसे दूर करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। थर्ड नंबर फ्रेंड्स, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है और ये आपके पाचन तंत्र को भी बहुत ही ज़्यादा, पाचन तंत्र में मदद करता है। और ये आपके शरीर में अवांछित जो विषैले पदार्थ होता है, हमारे बॉडी में जो अवांछित विषैले पदार्थ रहता है उसे भी बाहर निकलता है। उसके बाद फ्रेंड्स, ये कब्ज को भी दूर करता है। अगर किसी को कब्ज का प्रॉब्लम है तो वो भी अपने डाइट में, इसे मॉर्निंग रूटीन में, या फिर आपके पास जब टाइम हो तो इसे ज़रूर पिए। और नींबू पानी पीने से हम नींबू पानी में शहद डाल के पीने से हमारे शरीर को बहुत ही ज़्यादा एनर्जी भी मिलता है, क्योंकि हनी में बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होता है। तो इसे आप ज़रूर पिए, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी मिलता है। मोटापे को कम करने में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता ही है। अगर आप सुबह मॉर्निंग में नींबू पानी, हल्के गुनगुने पानी और नींबू में शहद डाल के पीते हैं तो आपका मोटापे को बहुत ही जल्दी ये कम करता है। ये रोग प्रतिरोध क्षमता भी होता है, कि रोग से लड़ने में जो हमारे शरीर में क्षमता रहता है उसे भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ाता है। तो अगर आपको लगा कि आपके लिए ऐसा लगे कि आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप सुबह मॉर्निंग में गुनगुने पानी में आधे नींबू डाल के और हनी डाल के ज़रूर पिए। तो देखिए, मैं आपको बता देती हूँ कि इसे किस तरह से पीना है। तो नींबू तो मेरा कट किया हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि आगे मैं आपको कट करके दिखा दिए थे। इसमें अब हम आधे नींबू ऐड कर लेंगे। आपको ज़्यादा नहीं ऐड करना है,
आप रेगुलर पीजिएगा तो आपका जो प्रॉब्लम है वो दूर होगा, बट आपको रेगुलर करना है। अब इसमें हम आधे चम्मच हनी ऐड करेंगे, तो देखिए इसमें हम आधे चम्मच हनी ऐड करेंगे। इसको आपको इस तरह से इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, मिला लेना है। उसके बाद आप इसे जिस तरह से चाय पी दें, क्योंकि आपका जो पानी है वो गुनगुना हल्का गर्म है, इसे सिर्फ चाय की तरह ही आराम से मॉर्निंग में पिएं। अगर आप चाहें तो दिन में इसे 2-3 बार पी सकते हैं, बट आपके टाइम नहीं तो आप मॉर्निंग में तो ज़रूर से ज़रूर पिए। आपका ये सब जो अभी मैं बताई हूँ वो प्रॉब्लम दूर होगा और आपका शरीर जो है स्वस्थ, बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ रहेगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिस भी टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।